क्या सिसोदिया की गिरफ्तारी में है? केजरीवाल की साजिश, अलका लांबा ने क्यों लगाया ऐसा आरोप? सच बात तो ये है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ही नेता को लंबा और हमेशा के लिए नाप दिया है। सत्येंद्र जैन पहले ही तिहाड़ जेल में है, अब उनका साथ देने के लिए मनीष सिसोदिया जी पहुंच चुके हैं। लगातार शराब नीति को लेकर भ्रष्टाचार होता रहा। अरविंद केजरीवाल जा तो सब जानते थे या जानकर सब कुछ होते हुए देखते रहे, जिसका अंजाम आज मनीष सिसोदिया को भुगतना पड़ रहा है। कहा जा रहा है तिहाड़ जेल में उनकी हत्या करवा दी जा सकती है, लेकिन उसका आधार कुछ नहीं बताया जा रहा कि कौन लोग हत्या कराएंगे, क्यों कराएंगे। लोग तो ये कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं। ये खतरा अगर उन्हें किसी से है तो किसी दूसरे से नहीं, खुद अरविंद केजरीवाल जी से है। वहीं सत्येंद्र जैन आपने देखा, रेप के एक आरोपी जिसका नाम रिंकू बताया जाता है, उनसे मसाज कराते हुए इसी जेल में तिहाड़ में पक पाए गए हैं। और आज मनीष सिसोदिया पूरी तरह से शिकंजे में है। ये पूर्व आम आदमी पार्टी की नेता और वर्तमान में कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा है, जिनका आरोप है कि दिल्ली में शराब घोटाले का जो खेल खेला जा रहा है उसका मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है, जिन्होंने एक रणनीति के तहत न सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि सत्येंद्र जैन को भी जेल भिजवाया है। अब अलका लांबा के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। केजरीवाल सिसोदिया को बहुत पहले से ही निपटाने की फिराक में थे, पर कुछ यूं भ्रष्टाचार में फंसा कर निपटाएंगे सोचा नहीं था। अब आपके महाठग के दरबार में जो ज्यादा बोली लगाएगा वही खाली हुए मंत्री पद पाएगा। दिल्ली के विधायक धरना प्रदर्शन छोड़ मंत्री पद पाने की दौड़ और होड़ में शामिल हुए। हैशटैग केजरीवाल फिक्स्ड सिसोदिया, हैशटैग आपके महाठग को पता है, अब सिसोदिया भी जैन की तरह लंबा अंदर गया। ये कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा के वो ट्वीट है जिसमें उन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे और दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था। लांबा ने मनीष सिसोदिया के जेल जाने की घोषणा भी पहले ही कर दी थी। उन्होंने उस समय भी केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे। सिसोदिया से सीबीआई की पूछताछ करने पर लांबा ने कहा था कि वो जेल जाएंगे और कहा था कि दिल्ली के सीएम का शराब माफिया से सीधा संबंध है। अलका लांबा की ओर से लगाए गए ये आरोप मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के अचानक इस्तीफा देने के बाद और चर्चाओं में आ गए कि आखिर दोनों नेताओं ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया और अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे तर्क दिया है कि दोनों मंत्री बेकसूर हैं और इस्तीफा देने के बाद कानूनी लड़ाई लड़ना भी थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली के काम बाधित ना हो इसलिए दोनों नेताओं के इस्तीफे स्वीकार किए गए हैं। अब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को फंसाने में किसका हाथ है और इन पर लगाए जा रहे आरोपों की क्या सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।